संवेदनशील कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर राहुल ने बताई समस्या। बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराने और मदद का दिया आश्वासन। सप्ताह के पहले मंगलवार को जनसुनवाई होती है। कोविड-19 महामारी के बढ़ते केस के दौरान ये जनसुनवाई स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से जनसुनवाई शुरू हो गई है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने आज मंगलवार को जनसुनवाई में जब नागरिकों की समस्या सुन रहे थे, तभी शिवपुरी शहर के कुछ बच्चे अपने कोच के साथ अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचे। बच्चे उन्हें अपनी बात कहने में संकोच कर रहे थे, तब जिले के संवेदनशील कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने बच्चों को अपने कक्ष में बुलाया और उनसे बातचीत की। उन्हीं में से एक बच्चा राहुल कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा और कलेक्टर बन अपनी बात कही। इस दौरान सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और वो बिना डरे अपनी बात कह सके। शिवपुरी शहर के ये बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बच्चों को खेलने के लिए सही स्थान और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वो जनसुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने इनके प्रतिनिधि से बात कर बच्चों के खेलने के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराए और प्रशासन से नियमानुसार हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने बच्चों से कई तरह की बातचीत भी की और कहा है कि इसी प्रकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करें। जब ये बच्चे अच्छी तरह शिक्षित होंगे और खेल का सही प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तब ये प्रतिभाएं आगे जाकर जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगी, इसलिए इन्हें प्रोत्साहित करें। किस क्लास में हो राहुल? तीसरे। आज कुर्सी पे बैठे आप कलेक्टर की कुर्सी पर, कैसा लगा? अच्छा। अच्छा, कौन ने बोला था वहाँ बैठने को? सर ने बोला था। अच्छा, बच्चों ने कुछ पूछा आपसे वहाँ? नहीं। आप खेलते हो? क्या खेलते हो? ओके बेटा, ओके, थैंक यू। एक्चुअली बच्चे थोड़ा घबरा से रहे थे बताने में खुल करके, तो इसलिए उनमें से ये को कहा कि अगर वो शायद बैठेगा तो उनको ये जगह कोई पता नहीं लगेगा, कोई अपना सा लगेगा, तो वो खुल के बता सकेंगे। शुरू में कुछ समय तक कोई बताने में झिझक रहा था, इसलिए मैंने उन्हीं के बीच एक लोगों को बोला, बच्चे को बोला कि आप ही बैठ जाओ कुर्सी में, तो शायद सहजता महसूस करेंगे और बताएंगे। बाकी ये सही में मुझे लगता है कि सुने जाने बहुत ही प्रायोरिटी पर सुने जाने वाले लोग हैं, जो बहुत अच्छा ध्येय को रख करके चल रहे हैं। एक दिन मैंने जनसुनवाई में सरकारी कर्मचारियों को आने की आपत्ति भी की थी और ये कहा था कि वाकई में ये निडी लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये जनसुनवाई की व्यवस्था है।